आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर कांग्रेस को लगातार झटके दे रही है। पंजाब के बाद केजरीवाल ने आज दिल्ली को लेकर भी अपनी तस्वीर साफ कर दी। पंजाब के बाद दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से दिल्ली में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी पंजाब में कुल 13 और दिल्ली में 7 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, 7ों की 7ों सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। आज मैं पंजाब के लोगों से पूछने आया हूं, अगर आपने 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी, मान साहब के हाथ मजबूत होंगे, खबरदार उसके बाद केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं होगी आपके पैसे रोकने की, गवर्नर की हिम्मत नहीं होगी। दिल्ली में अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। रोज नए नए आरोप लगाते हैं, रोज नए नए आरोप लगाते हैं। आजकल रोज मेरे खिलाफ कभी सीबीआई का समन, कभी ईडी का नोटिस, कभी पुलिस का नोटिस, कभी इनकम टैक्स का नोटिस। कई बार मेरे को लगता है देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूं। और वहीं पंजाब के समराला में कांग्रेस के पहले कन्वेंशन में कांग्रेस ने आगे भी किसानों के साथ खड़े रहने का वादा किया है। किसान कानून रद्द नहीं करने पर पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि मोदी की गारंटियां झूठी हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ साथ अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कन्वेंशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे और केंद्र सरकार पर किसानों को छलने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि सरकार ने किसानों से जुड़े 3 कानून रद्द करने की बात की, लेकिन उससे जुड़ा नोटिफिकेशन किसी ने नहीं देखा। ये कानून को रद्द करने के लिए हम सब लोग पहले से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जब तक ये रद्द नहीं होगा या इन्होंने नहीं करेंगे, आने वाले 2024 की सरकार हमारी बनेगी, तब इसको निकाल लेंगे, ये 3 कानून को रद्द कर देंगे। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि बीजेपी और आरएसएस ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया करते थे। ये तो ब्रिटिश के जमाने में बीजेपी और आरएसएस के लोग ब्रिटिश का काम करते थे, ब्रिटिश का एजेंट थे। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान संगठनों ने इसका ऐलान किया है। देश भर में प्रदर्शन की अपील भी की गई और एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे किसान संगठन। 16 फरवरी नूं पूर्ण तौर ते असीं भारत बंद का सद्दा दिता होया। न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। संगठन ने 16 फरवरी को पूरे देश भर में सड़क पर उतरकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। कई संगठनों ने इसका समर्थन किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसान संगठनों की क्या मांगे हैं और क्यों संगठनों ने इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान संगठन की मांग है कि सरकार एमएसपी सुनिश्चित करे, कृषि इनपुट की लागत कम हो, किसानों और मजदूर परिवारों के लिए व्यापक कर्ज माफी हो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण बंद किया जाए, नई शिक्षा नीति 2020 को सरकार रद्द करे और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। इसके अलावा भी इनकी कई मांगे हैं। संगठनों ने महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ लोगों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की अपील की है। किसानों 13 फरवरी को किसान एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। उन्होंने किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस 13 फरवरी को किसानों को दिल्ली जाने से रोकने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर नाकेबंदी की है। टीकरी बॉर्डर पर 6-6 फीट ऊंची सीमेंट की बैरिकेडिंग की जा रही है, लोहे की कील लगाई गई है। मेरे ठीक सामने आपको करीब 6 फुट का सीमेंट का बैरिकेड नजर आएगा। ये उतना ऊंचा बैरिकेड है कि यहाँ इससे टापना किसी भी शख्स के लिए आसान बात नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में आपको यहाँ पर बैरिकेड नजर आएंगे, जिस पर कटीली तारे जो है वो आपको लगी हुई नजर आएंगी।
सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। किसानों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाई गई है। इस वक्त हम मौजूद है सिंधु बॉर्डर पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जिस पर कटीली तारें लगाना शुरू हो चुका है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी पूरे इलाके पर निगरानी रखी जाने वाली है। हरियाणा और पंजाब के शंभू और खनौरी को भी सील कर दिया गया है। और किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान, मैंने केंद्र से किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए कहा है, हरियाणा में सीमा पर कीले लगाई जा रही हैं, ये कहा है भगवंत मान ने। हरियाणा की कर रहे हैं, हरियाणा वाली जी पंजाब वाली हद है, उथे डेढ़ किल ला रहे ने पत्तियां तारां कंडियालियां तारां। मेरी फिलहाल तो मेरी बेनती है केंद्र सरकार में कि किसानों ना गल कर लो, उन्होंने मंगा जायज जड़िया ने मान लो, तुसी इंडिया ते पंजाब दा बार्डर ना बनाओ। बार्डर बनाता हूँ उन्नी तारा इधर लगी हैं खब्बे पासे पाकिस्तान जाण नू, उन्नी इधर लगी हैं दिल्ली जाण नू, तुसी की समझते हो सानू। और चले वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।